हम फंक्शनल कोहेशन की बात करेंगे, देखिए अगर हम फंक्शनल कोहेशन की बात करें तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, एवरी असेंशियल एलिमेंट फॉर ए सिंगल कंप्यूटेशन इज कंटेंड इन द कंपोनेंट। अगर सिंगल कंप्यूटेशन भी करनी है तो उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पर अपनी फंक्शनिंग को शो करेंगे। हम कह सकते हैं इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स का अपना योगदान होगा किसी भी सिंगल कंप्यूटेशन को परफॉर्म करने के लिए। ए फंक्शनल कोहेशन परफॉर्म द टास्क एंड फंक्शन, जो हमारा फंक्शनल कोहेशन होता है वो टास्क को परफॉर्म करता है, फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ये हमारे पास में एक आइडियल सिचुएशन है, हम ये कह सकते हैं ये हमारा बेस्ट केस है। जहाँ पर भी फंक्शनल कोहेशन होता है वहाँ पर हमेशा हाई डिग्री ऑफ कोहेसिवनेस होती है। स्टूडेंट्स हम सिक्वेंशियल कोहेशन की बात करें तो देखिए सिक्वेंशियल कोहेशन आप कह सकते हैं, देखिए हमने कोई प्रोग्राम क्रिएट किया, उसमें हमने बहुत सारे फंक्शंस बनाए, किसी एक फंक्शन का जो आउटपुट है वो डिपेंड कर रहा है दूसरे फंक्शन के इनपुट पे। मींस यहाँ पर जितनी भी फंक्शनिंग होगी वो सारी की सारी फंक्शनिंग आपकी एक सीरीज ऑफ स्टेप्स में होगी। एन एलिमेंट आउटपुट सम डाटा डेट बिकम्स द इनपुट फॉर अदर एलिमेंट, हम ये कह सकते हैं यहाँ पर किसी एक एलिमेंट का जो आउटपुट होता है वो दूसरे के लिए इनपुट होता है। यहाँ पर डेटा फ्लो होता है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के बीच में। देखिए हमने कोई स्टैटिक वेरिएबल बनाया, आपको पता है कि अगर हम स्टैटिक वेरिएबल बनाते हैं तो हम दो फंक्शंस के बीच में वैल्यू को रिटेन कर सकते हैं। इट मीन्स यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो फ्लोट करेगी, एक फंक्शन मॉडिफिकेशन करेगा, दूसरा फंक्शन उससे क्या करेगा, कैप्चर करेगा, वो मॉडिफिकेशन करेगा। तो यानी कि यहाँ पर पार्ट्स के बीच में डेटा का फ्लो होता है। इट अकर्स नेचुरली इन फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जितनी भी हमारी फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, चाहे हम बात करें सी की, हम बात करें सी प्लस प्लस की, या फिर हम बात करें जावा की, ये हमारी प्रोसीजर लैंग्वेजेस हैं, मॉड्यूलर लैंग्वेजेस हैं, फंक्शनल लैंग्वेजेस हैं। यहाँ पर सिक्वेंशियल डेटा फ्लो ऑटोमेटिकली हो जाता है। मीन्स आपको यहाँ पर सिक्वेंशियल कोहेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप फंक्शनल प्रोग्रामिंग यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक सिक्वेंशियल कोहेशन हो जाएगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास में कम्युनिकेशनल कोहेशन है। देखिए अगर हम कम्युनिकेशनल कोहेशन, जैसा कि इसके नेम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर हम एक साथ में दो वर्क परफॉर्म करेंगे और दो एलिमेंट्स यहाँ पर किसी एक टास्क को ऑपरेट करने के लिए फंक्शनिंग करेंगे। टू एलिमेंट्स ऑपरेट ऑन द सेम इनपुट डाटा और कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द सेम आउटपुट डाटा। मींस दो एलिमेंट्स सेम इनपुट डाटा पे वर्क कर रहे हैं और वही एलिमेंट्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सेम आउटपुट डाटा के लिए। एग्जांपल के लिए हम कह सकते हैं कि हमने रिकॉर्ड को अपडेट किया डेटाबेस में और उसके बाद में हमने क्या कर दिया, इसका एक प्रिंट ले लिया। तो ये जो है हमारा कम्युनिकेशनल कोहेशन है। स्टूडेंट्स इसके बाद हम बात करेंगे प्रोसीजरल कोहेशन की। देखिए अगर हम प्रोसीजरल कोहेशन की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा प्रोसीजर कोहेशन है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हमें कुछ सीरीज ऑफ स्टेप्स फॉलो करने हैं। यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन मैटर करता है। आपको ये पता है कि जब भी हम मेन फंक्शन बनाते हैं तो जो हमारा मेन फंक्शन होता है, मेन फंक्शन से ही प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है और मेन फंक्शन पर ही जाके प्रोसेसिंग एंड होती है। Elements of procedural cohesion ensure the order of execution. Actions are still weakly connected and unlikely to be reusable. यहाँ पर जितने भी actions होते हैं वो आपके weakly connected होते हैं और उनको आप reuse नहीं कर सकते हो। Students जैसे कि आपसे कहा जाए कि आपको student का GPA find out करना है और उनके record को print करना है, उनका cumulative CGPA फाइंड आउट करना है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक प्रॉपर हमें प्रोसीजरल कोहेशन फॉलो करना होगा। हमें सब्जेक्ट्स के मार्क्स को एंटर करना होगा, उन सब्जेक्ट्स को मार्क्स को एंटर करने के बाद में उसका पर्टिकुलर एवरेज फाइंड आउट किया जाएगा, उसके बेसिस पे 10 पॉइंट्स में से CGPA को फाइंड आउट करके कैलकुलेट किया जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे हमें एक प्रोसीजर फॉलो करना है, एक ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन फॉलो करना है। स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास में है टेम्पोरल कोहेशन। देखिए टेम्पोरल, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो एलिमेंट है
वो किस समय पर इवॉल्व हो रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है फंक्शनिंग में. द एलिमेंट्स आर रिलेटेड बाय देयर टाइमिंग इन्वॉल्व. यहाँ पे एलिमेंट्स की टाइमिंग को इन्वॉल्व किया जाता है. ए मॉड्यूल कनेक्टेड विद टेम्पोरल कोहेशन. ऑल द टास्क मीन्स जितना भी टास्क परफॉर्म होगा मस्ट बी एग्जीक्यूटेड इन द सेम टाइम स्पैन, यानी कि उसको पर्टिकुलर टाइम स्पैन में फिनिश होना चाहिए. दिस कोहेशन कंटेन्स द कोड फॉर इनिशलाइजिंग ऑल द पार्ट्स ऑफ द सिस्टम. हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा टेम्पोरल कोहेशन होता है इसके इनसाइड हमारे पास में कोड को इनिशलाइज करने के लिए बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. जितने भी पार्ट्स होते हैं सिस्टम के उनको हम इनिशलाइज करते हैं कोड की हेल्प से. यहाँ पर लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ अकर होती हैं ऑल एट इन टाइम, यानी कि विद इन द टाइम पीरियड ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे आपको परफॉर्म करनी होगी. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सिस्टम के डेट और टाइम को फैच कर रहे हैं, या फिर हम कोई कैलेंडर का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो इट मीन्स यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइमिंग अकर होगी. सारे के सारे फंक्शंस आपको उसको टाइम स्पैन में परफॉर्म करने होंगे कि ये डेट है, ये डे है, ये मंथ है, ये ईयर है. तो यहाँ पर आपका टेम्पोरल कोहेशन होगा. सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि जहाँ पे टाइम की इन्वॉल्वमेंट हो जाए फंक्शंस के बीच में, मॉड्यूल्स के बीच में, वहाँ पर आपका टेम्पोरल कोहेशन होता है. स्टूडेंट्स इसके बाद हम बात करते हैं लॉजिकल कोहेशन की. देखिए अगर हम लॉजिकल कोहेशन की बात करें, द एलिमेंट्स आर लॉजिकली रिलेटेड. यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो लॉजिकली रिलेटेड होते हैं. नॉट फंक्शनली, यहाँ पे कोई फंक्शनली रिलेटेड नहीं है, बट लॉजिकल रिलेशंस है बीच में. फॉर एग्जांपल ए कंपोनेंट रीड इनपुट फ्रॉम द टेप डिस्क एंड नेटवर्क. कोई कंपोनेंट डेटा की रीडिंग कर रहा है डिस्क से, नेटवर्क से, तो यहाँ पे केवल और केवल लॉजिकल रिलेशन है, फंक्शनल रिलेशन नहीं है. कंपोनेंट की फंक्शनिंग अलग होगी, टेप की फंक्शनिंग अलग होगी, यानी कि दोनों डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं. ऑल द कोड फॉर दीज फंक्शंस इज इन द सेम कंपोनेंट. हम ये कह सकते हैं जितने भी कोड होता है वो कंपोनेंट्स में सेम होता है दीज फंक्शंस के लिए. ऑपरेशंस आर रिलेटेड बट द फंक्शंस आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट. यहाँ पर जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं, बट हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी फंक्शंस हैं वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हैं. जब कोड डिफरेंट है, फंक्शंस डिफरेंट हैं, बट वो वर्क करते हैं सेम कंपोनेंट में, ये हमारा लॉजिकल कोहेशन होता है. स्टूडेंट्स इसके बाद हम बात करते हैं को इंसिडेंटल कोहेशन की. देखिए जितने भी को इंसिडेंटल कोहेशंस होते हैं द एलिमेंट्स आर नॉट रिलेटेड. यहाँ पे एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड नहीं होते हैं, सारे के सारे अनरिलेटेड एलिमेंट्स हैं. द एलिमेंट्स हैव नो कॉन्सेप्चुअल रिलेशनशिप अदर देन द लोकेशन इन द सोर्स कोड. यहाँ देखिए मैंने आपको बताया था कि एक कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन होता है हमारा. कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन जो होता है वो डिपेंड करता है कस्टमर के फीडबैक पे. तो यहाँ पर आपको केवल और केवल कॉन्सेप्चुअल रिलेशनशिप है, बट सोर्स कोड की लोकेशन क्या है डिफरेंट है. हम ये कह सकते हैं कि ये जो होता है एक हमारा एक्सीडेंटल केस होता है और ये सबसे रस्ट केस है कोहेशन का. मींस यहाँ पे कोहेशन की डिग्री बहुत ही ज़्यादा लो होती है. फॉर एग्जांपल प्रिंट नेक्स्ट लाइन एंड रिवर्स द कैरेक्टर ऑफ ए स्ट्रिंग इन ए सिंगल कंपोनेंट. आपको नेक्स्ट लाइन को प्रिंट करना है और स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को रिवर्स करना है किसी एक सिंगल कंपोनेंट में, तो यहाँ पर कोइंसिडेंशियल कोहेशन हो जाएगा. कॉन्सेप्चुअल रिलेशन कुछ भी नहीं है कि मुझे नेक्स्ट लाइन में जाना है और कैरेक्टर को प्रिंट करना है. ये एक एक्सीडेंटल केस है. हम कह सकते हैं कि ये जो है हमारा सबसे ख़राब केस है कोहेशन का. यहाँ पे लो कोहेशन होता है, आपको ये ध्यान रखना है. इस गुड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में हमेशा लो कपलिंग और हाई कोहेशन होगा. मैं आशा करता हूँ लेक्चर आपको समझ में आया होगा. धन्यवाद. डियर स्टूडेंट होप यू विल बी फाइन. देखिए हमने कपलिंग के बारे में स्टडी किया और मैंने आपको ये बताया था कि कपलिंग हमें इंटरडिपेंडेंसी दिखाती है मॉड्यूल्स के बीच में. किसी भी अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें, एक गुड सॉफ्टवेयर अप्रोच में हमेशा लो कपलिंग होनी चाहिए और हाई कोहेशन होना चाहिए. कपलिंग इज द मेजरमेंट ऑफ द डिग्री टू विच द मॉड्यूल्स आर इंटरडिपेंडेंट. इसमें आपने कंटेंट कपलिंग, कॉमन कपलिंग, डेटा कपलिंग के बारे में स्टडी किया.
जो उसका बेस्ट केस है मींस डेटा कपलिंग, जब हम वैल्यूज़ पास करते हैं वो हमारे लिए एक बेस्ट केस होता है। नाउ कोहेशन, देखिए जितने भी एलिमेंट्स आप यूज़ कर रहे हो किसी भी मॉड्यूल में, किसी भी प्रोग्राम में, वो सारे के सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपना वर्क फुलफिल करने में कितने सक्षम हैं, कितने फंक्शनली आपस में रिलेटेड हैं, इस डिग्री को आप कोहेशन से मेज़र करते हैं। स्टूडेंट्स, इट इज़ द डिग्री टू विच ऑल एलिमेंट्स डायरेक्टेड टूवर्ड्स परफॉर्मिंग ए सिंगल टास्क आर कंटेंड इन द कंपोनेंट। ये एक ऐसी डिग्री होती है जिसमें सभी कंपोनेंट्स जिनका बेसिक वर्क होता है किसी सिंगल टास्क को परफॉर्म करना, जिसको किसी कंपोनेंट मींस किसी भी मॉड्यूल के इनसाइड, किसी भी फंक्शन के इनसाइड इनकॉर्पोरेट किया गया है। आपने देखा होगा कि सपोज हम कोई फिबोनाकी सीरीज का एक प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं। फिबोनाकी में बेसिकली क्या होता है कि मेरे पास में दो हैं, जीरो और वन। इन दो प्रीवियस टर्म का जो सम होता है वो नेक्स्ट टर्म होती है। इसी तरीके से आपका टू देन थ्री। तो इट मीन्स यहाँ पर जितने भी आप कंपोनेंट यूज़ करेंगे, जो आप फंक्शन यहाँ पे यूज़ करेंगे, उसके इनसाइड हमें क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे, उनके सम को परफॉर्म करना पड़ेगा, लूप क्रिएट करने पड़ेंगे। जितने भी एलिमेंट्स आप यूज़ कर रहे हैं वो अपने टास्क को परफॉर्म करने में कितने फुलफिल हैं, कितने फुलफिल्ड हैं, या फिर आप कह सकते हैं कितने आपस में रिलेटेड हैं, ये सारी की सारी बातें कोहेशन बताता है। स्टूडेंट, कोहेशन के बारे में हम ये भी कह सकते हैं यह एक इंटरनल ग्लू है। हम ये कह सकते हैं मॉड्यूल्स को एक साथ में अगर आप रखना चाहते हैं तो वहाँ पर हमें कोहेशन की डिग्री को मेज़र करना होगा। स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स जो हमारी एक गुड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होती है उसमें हमेशा क्या होता है, कोहेशन बहुत ज़्यादा होना चाहिए, एक हाई कोहेशन होना चाहिए। स्टूडेंट्स, हाई कोहेशन एंड लो कपलिंग, ये दो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं किसी भी गुड प्रोग्रामिंग अप्रोच के। हमारे पास में फंक्शनल कोहेशन होता है, हमारे पास में सीक्वेंस कोहेशन होता है, कम्युनिकेशनल कोहेशन होता है, प्रोसीजरल होता है, टेम्पोरल होता है, लॉजिकल होता है, कोइंसिडेंटल होता है। नाउ